अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बना रहे हैं खट्टी मीठी केरी की चटनी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी बनाते हैं केरी की चटनी। तो इसके लिए मैंने 4 अदद केरियां ली हैं और इनको मैंने छील कर क्यूब में काट लिया था। और इसके अलावा जो ये चीनी है, तकरीबन 8 से 10 टेबलस्पून मैंने शुगर के इसमें ऐड किए हैं। चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई मिर्च, और ये कोलंजी है, और बादाम लिए हैं वो गार्निशिंग के लिए। तो एक पैन में हम पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी लिए थे मैंने और उसमें डाल दिए हैं। अब ये हम केरियाँ इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको हम थोड़ी देर पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये अब बॉईल होना शुरू हो चुकी हैं। तो जब बॉईल हुए तो उसके बाद मैंने 5 मिनट तक और इसको कुक किया था। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखिए, इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे। इस पानी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि इस पानी में हम चीनी मिलाकर हम इसका शरबत बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसको ठंडा कर लीजिए। हाँ जी, अब इसमें जो हमारी केरियाँ बची हैं इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने 10 टेबलस्पून इसमें शुगर के ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि केरियाँ बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई आनी तो बहुत खट्टी थी, तो इससे चीनी भी ज़्यादा डली और मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा पका के पानी इसमें से निकाला। हाँ जी, देखिए ये चीनी अब पकना शुरू हो चुकी है और अब ये और चीनी ने पानी भी छोड़ दिया है। देखिए अब ये शीरा बनना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, हमारी चटनी अब गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। हम स्पून की मदद से इसको पीसते भी रहेंगे ताकि अच्छी सी पेस्ट बन जाए। सारे पीसेस है उसको नहीं पीसेंगे, तकरीबन आधे पीसेस को हम इस तरह पीस लेंगे। हल्की आंच पर हम पका रहे हैं इसको। उसके बाद ये 2 चुटकी मैंने कलौंजी ऐड की है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के लिहाज से इसमें चिली ऐड कर दें, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे चटनी में बहुत कम मिर्ची पसंद है, इसलिए मैंने कम डाली है। इसके बाद मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक डाला है, वो पहले बताना भूल गई थी मैं आपको। इसमें 1/2 टीस्पून हम नमक भी ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर और पकाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको हम हल्की आंच पर इसी तरह पकाते रहेंगे। अभी ऐसा ऐसा और गाढ़ी होना शुरू हो गई, क्योंकि हम इसकी पीसेस जो मैंगो के हैं, कैरी के हैं, इसको भी तोड़े हैं, तो इससे और वो गाढ़ी होती जा रही है। देखिए इसकी थिकनेस, देखिए ऐसी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। हमारी केरी की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल बस यही इसकी राइट थिकनेस होनी चाहिए, इतनी ही चाहिए। हाँ जी, अब हमारी केरी की चटनी रेडी है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम को काट कर बारीक बारीक ऊपर डाल दिए हैं। ये देखिए, बहुत मज़े की खट्टी मीठी चटनी हमारी रेडी है। इसको पराठे के साथ खाइए, बहुत मज़े की लगती है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।